जब इंडिया सामने हो तो डर वाजिब है, और इंडिया को अपने सामने खड़ा देखकर प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से मणिपुर के साथ खड़ा है। इंडिया मणिपुर के आंसू पोछेगा, उनको ढांढस बंधाएगा। इंडिया पूरे देश की मोहब्बत मणिपुर तक पहुंचाएगा, ये इंडिया का वादा है। लेकिन आप कब तक रणछोड़ बने रहिएगा? आप कब बात करिएगा मणिपुर की? आप कब शांति की अपील करिएगा? 36 सेकेंड मणिपुर पर बोलकर कुत्सित राजनीति करके आप बच जाइएगा? मणिपुर इस देश का हिस्सा है, आप प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्ट टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले नायक थोड़ी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में सदन में बोलने से क्या डर है, आज देश ये सवाल पूछ रहा है। कब तक भागे भागे फिरिएगा? और असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया, और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आपका न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये इंडियन मुजाहिदीन की एजेंट है क्या? ये सवाल आपसे रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और मैं समझती हूं आपका डर, क्योंकि इंडिया के आगे तो कभी कोई जीतता ही नहीं है, और ये तो इतिहास साक्षी है। याद रखिएगा मोदी जी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।